द्वैतस्य ग्रहणं तुल्यं उभयोः प्राचतुर्ययोः बीजनिद्रायुतः प्राच साचतुर्येन विद्यते। श्लोकार्थ हो गया था, अवतरण का भी थोड़ा हुआ था। कथम द्वैताग्रहण से तुल्यत्वात् कारणबद्धत्वं प्राज्ञस्यैव न तुर्यस्य प्राप्त आशंका निवर्त्यते। कोई आशंका प्राप्त है किसी को, वह किस प्रकार आपने यह कह दिया कि तुरीय में कारणबद्धत्व नहीं है, केवल प्राज्ञ में है, क्योंकि द्वैत अग्रहण से तुल्यत्वात् कि द्वैत अग्रहण तुल्य है, समान है। जब तुल्य है तो कारण बद्धत्व जो चीज है वह प्राज्ञ में ही रहता है, प्राज्ञ से ही वह न तुर्यस्य, तुर्य के अंदर नहीं है। इति प्राप्त आशंका, ऐसी आशंका प्राप्त हो गई, क्यों नहीं है, कथम न, उसके स्थान में तुर्यस्य कथम न कारण बद्धत्वम। इति प्राप्त आशंका, उस प्राप्त से निवृत्ति करने के लिए ही आरंभ हुआ है। यस्मात् बीज निद्रायुत तत्व प्रतिबोधो निद्रा, पूर्वार्ध पूरा पूर्व पक्ष की आशंका कही स्वरूप था पूर्वार्ध, उत्तरार्ध जवाब ले रहे हैं बीज निद्रायुत है ना, उसके बाद यस्मात् क्योंकि बीज निद्रायुत का इसका मतलब क्या, तत्व प्रतिबोधो निद्रा सैवच विशेष प्रतिबोध प्रसवस्य बीजम। तत्व का अज्ञान का नाम ही निद्रा है, और वही है विश्व और तेजस जागृत और स्वप्न रूपी विशेष प्रतिबोधों के प्रति कारण है। विशेष प्रतिबोध क्या है, अन्नदाग्रहण, अन्नदाग्रहण कहाँ होता है, जागृत और स्वप्न में, उसके प्रसव मनुष्य में उत्पत्ति के प्रति बीज है निद्रा, ऐसी निद्रा का नाम सा बीज निद्रा, उसको कहते बीज निद्रा। तया युत प्राज्ञ, प्राज्ञ उससे युक्त है, प्राज्ञ जो है तादृश बीजात्मक निद्रा से युक्त है। सदा दृक् स्वभावत्वा तत्व प्रतिबोध लक्षणा निद्रा तुरिये न विद्यते, कि सदा दृक् स्वभावत्वा, क्योंकि तुरियो में ये बीज रूपा निद्रा नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है, क्योंकि सदा दृक् स्वरूप क्योंकि सदा वो क्या है, दृक् स्वभाव वाला है, दृक् स्वरूप वाला है, माने वो दृष्ट स्वरूप वाला है, दृश्य नहीं होता, चैतन्य स्वभाव वाला है, दृक् स्वभावत्व विशुद्ध चित्त धातुत्व प्रसादन प्रमाण बाधात कालात्यापदिष्ट तृतीय, उसके अनुमान बाधित हो जाता है कि विशुद्ध चित्त धातुत्व प्रसादन प्रमाण बाधा, कि जो हमारे पास बहुत प्रमाण है जो बताते तुरी अवस्था में शुद्ध चैतन्य है, विशुद्ध चैतन्य है, तीसरी पंक्ति आने के लिए, क्योंकि तुरी अवस्था क्या है, विशुद्ध चैतन्य, ऐसे सिद्ध करने वाले बहुत प्रमाणों से बाधित हो जाता है। आप कौन सा है, तो जो पूर्व पक्ष ने दिया था हेतु, क्या दिया था, द्वैत अग्रहणा, द्वैत अग्रहण दिया था है कि नहीं, हनुमान में विमतम कारणबद्धम द्वैत ग्रहणात भाग्यवत, यह अनुमान थी उसके पूर्व पृष्ठ का अंतिम पंक्ति आंदिरी में, उसको हमने कालात्यापदिष्ट में बाधित हेतु बना दिया, क्योंकि बाधित हेतु वाला नियम क्या है, अन्य प्रमाण से बाधित होना चाहिए, यजमान क्या था, वन्नीर अनुष्ठान द्रव्यत्वात्, वन्नी कैसा है, ठंडा है, गर्म नहीं होता अनुष्ठान, क्यों, द्रव्य होने से। तब आपने क्या कहा, स्पार्शन प्रत्यक्ष बाधित्व, स्पार्शन प्रत्यक्ष के द्वारा बाधित हो जाता है, प्रमाणांतर से बाधित होना चाहिए ना, साध्य से प्रमाणांतर बाधित होना चाहिए, साध्याभाव की सिद्धि प्रमाणांतर से हो जाए, तो कैसे होगा, अब यहां जो था साध्य क्या है, कारणबद्धत्व, उसका अभाव है कारण अबद्धत्व, उसकी सिद्धि प्रमाणांतर कौन सी है, श्रुति प्रमाण, जो कहती तुरी में क्या है, विशुद्ध चैतन्य है, दृक् स्वभाव है सदा,
इसे वहां निद्रा विद्रा कोई भी दोष नहीं हो सकती, आगम बाद हो गए। अनुमान से अनुमान को बात कर सकते हैं आप, प्रत्यक्ष प्रमाण से बात, उपमान प्रमाण से बाधित हो सकता है और आगम से बाधित हो सकता है। ये आगम बाद कहा जाता है, आगम के द्वारा वह बाधित हो गया ही तो, क्योंकि तत्व अप्रतिबोध लक्षणा निद्रा तुरीय न विद्यते। तत्व अप्रतिबोध रूपा जो निद्रा है वह तुरी अवस्था में नहीं रहता, क्योंकि सदा दृक् स्वभाव वाला होने से। अतो न कारण बंध तस्मिन इत्यभिप्राय, इसलिए उस तुरी अवस्था में कारण बंध नहीं होता है, यह इसका अभिप्राय। जब कारण बंध ही नहीं रह गया तो कार्य बंध कहां से आएगा, अन्यता ग्रहण कहां से आएगा, तत्व ग्रहण नहीं हुआ तो अन्यता ग्रहण भी नहीं हो सकता। अतएव कार्य कारण भाव रहित है, विशुद्ध सिद्ध हो गया। अब कार्य कारण बद्धोत्तव इत्यादि श्लोक के अंदर जो उक्त है उसी अर्थ को अनुभव के आधार पर भी सिद्ध करना चाहते, जो श्रुतियों के आधार पर सिद्ध बात है उसको सर्वानुभव के आधार पर सिद्ध करना चाहते, उसके लिए आगे की कारिकाएं शुरू होती है। स्वप्न निद्रायुता वाद्य प्राज्यस्व स्वप्न निद्रया न निद्राम नैव च स्वप्नम तुरीये पश्यन्ति निश्चिताः। स्वप्न निद्रा युता वाद्यौ, स्वप्न निद्रा युतौ आद्यौ प्राज्यस्तु अस्वप्न निद्रया। स्वप्न युक्त है निद्रा से युक्त है कौन, आद्यौ आदि दो अवस्थाएं, प्राज्यस्तु अस्वप्न निद्रया। और प्राज्ञ कैसा है, स्वप्न और निद्रा, अस्वप्न निद्रा में समाज थोड़ा होशियारी से करनी पड़ेगी, समझदारी से, गड़बड़ हो जाएगा ना, अस्वप्न और अनिद्रा हो जाएगी, विद्वन समाज करके नहीं करोगे तो। निद्रा तो है ना वहां प्राज्ञ में, इसे अस्वप्न निद्रा में बड़ा संभल के समाज करना, से न स्वप्नम विधि अस्वप्नम, अलग नहीं तो समाज कर दो, अस्वप्नम च निद्रा च, अनिद्रा नहीं निकालेंगे यदि आप करते हो, स्वप्नं च निद्रा च स्वप्न निद्रे, न स्वप्न निद्रे थी अस्वप्न निद्रे, है ना, अस्वप्न निद्रा बना दोगे तया अस्वप्न निद्रया, तब क्या होगा, द्वंद्वादम श्रीयमाण पदम प्रत्येकम अभि संपदेते, अर्थ हो जाएगा अस्वप्न और अनिद्रा वो घटेगा नहीं प्राज्ञ में, प्राज्ञ में अस्वप्न तो है लेकिन अनिद्रा नहीं, इसलिए स्वप्न शब्द के साथ पहले नेत्र समास करके शब्द बना लो अस्वप्नम, फिर अस्वप्नंच निद्रा चैति अस्वप्न निद्रा तया अस्वप्न निद्रया, ऐसे उसके बाद द्वंद समास करना तब घटेगा। किंतु प्राज्ञ कैसा है, स्वप्न रहित है किंतु निद्रा युक्त है। और तुरी कैसा है, न निद्राम नैव च स्वप्नम तुरीये पश्यन्ति निश्चिताः, निश्चिताः ऐसे उस तत्ववेत्ता लोग अनुभव करते हैं कि तुरीय में न निद्रा है नैव च स्वप्नम और स्वप्न भी नहीं है। भाष्य स्वप्न कर रहे अनिद्रा ग्रहणम सर्प रज्ज्वाम, रज्जु में सर्प ग्रहण करना यही जैसा आपने अनिद्रा ग्रहण मानते हो उसे, और स्वप्न भी वास्तव में अनिद्रा ग्रहण का स्वरूप ही है, और स्वप्न से जागृत भी ले लेंगे, इसलिए स्वप्न और तेजस दोनों को एक ही शब्द से बोल रहे हैं, स्वप्न जागृत और स्वप्न को दोनों को स्वप्न करेंगे, दोनों बराबर है ना, अन्यथा ग्रहण में तो कोई अंतर नहीं है, जागृत में भी अन्यथा ग्रहण हो रहा है स्वप्न में भी अन्यथा ग्रहण हो रहा है, तत्व अग्रहण पूर्वक अन्यथा ग्रहण दोनों में बराबर है, इसे दोनों को एक ही नाम में रख दो स्वप्न, इसलिए कहते हैं यहां स्वप्न मैंने अन्यथाग्रहण सामान्य कर दिया। नीचे कहा भी देखो आनगिरी ननो तैजस्य स्वप्न प्रयुक्तत्वं युक्तम न तो विश्वस्य प्रबुद्ध्यमानस्य तद योगो युज्यते, तैजस के अंदर ही स्वप्न युक्तत्व कहना उचित है, विश्व के अंदर तो जगा हुआ जागृत अवस्था वाला है, वहां पर जो स्वप्न शब्द प्रयोग का योग उचित नहीं है, प्रबुद्ध्यमानत्व व्याघातात् जागृति का व्याघात हो जाएगा, कथम अविशेषण विश्व तेजस स्वप्न निद्रायुत विधि, आपने कैसे कह दिया विश्व और तेजस आद्यो मने विश्व और तेजस दोनों के दोनों स्वप्न निद्रायुक्त है, ऐसे कैसे कह दिया आप,
तब कहते तथा स्वप्न शब्दार्थम स्वप्न अन्यथा ग्रहणम सर्प इव रज्ज्वा यदा रज्ज्वां सर्प गृह्यमाणो अन्यथा गृह्यते तदा आत्मनि देहादि ग्रहणम अन्यथा ग्रहण। देखो स्पष्ट कर दिया रज्जु में सर्पादि ग्रहण करना अन्यथा ग्रहण है। इसे जागृत में आप शरीर को ग्रहण कर रहे हो आत्मा में तो भी अन्यथा ग्रहण ही है। स्वप्न में अपने कल्पित वस्तु वासनामय पदार्थ को ग्रहण कर रहे हो, इतना ही नहीं आप स्थूल विषयों को ग्रहण कर रहे हो आत्मा में और वहां वासना में सूक्ष्म विषयों को ग्रहण कर रहे हो। ग्रहण कहाँ हो रहा है लेकिन दोनों आत्मरूपी अधिष्ठान में तो है ना। रज्जुरूपी अधिष्ठान में आप सर्प देख रहे हैं या भूचित्र देखेंगे या दंड देखेंगे जो भी देख रहे हैं है वो रज्जुरूपी अधिष्ठान। उसी प्रकार जागृत रूपा देहादि में देव हम देवदत्ता हम सुखी हम दुखी हम इत्यादि जो भी ग्रहण कर रहे हो वो भी आत्मरूपी अधिष्ठान में हो रहा है। और वासना में जो स्थूल विषय नहीं है स्वप्न में वो पदार्थ आपको देख रहे हैं आत्मा में, अतः दोनों के दोनों अन्यथा ग्रहण है ही, अतः दोनों के एक संज्ञा देने में कोई आपत्ति नहीं है। तथा आत्मनि देहादि ग्रहणम अन्यथा ग्रहणम भवति आत्मनो देहादि विलक्षण से श्रुति युक्ति सिद्धत्वात्, क्योंकि आत्मा देहादि से विलक्षण है तो श्रुति युक्ति ऐसे पूर्व में सिद्ध हो चुकी है। तेन स्वप्रसिद्धेन अन्यथा ग्रहणेन संसृष्टत्वं विश्रुतयस्य और अविशिष्टम्। इस स्वप्र शब्द के द्वारा अन्यथा ग्रहण ही यहाँ लक्षण लक्षित है, अतएव विश्व तेजस दोनों में सामान्य रूपेण स्वप्रश्न का प्रयोग में कोई आपत्ति नहीं है। तथापि निद्रा से निद्रा युक्ता न तो प्रबोधवत, इसे तो पूर्व पक्ष फिर आपने स्वप्न निद्रा युत क्यों कह दिया, निद्रा भी है क्या वहां जागृत में निद्रा भी है स्वप्न में निद्रा है रे दोनों में, क्योंकि तत्व ग्रहण का नाम निद्रा है ना, ये सोने का निद्रा थोड़ी है, पागल है नहीं ये बोल रहे हो, कितने बार बोल चुके हैं स्वप्न मतलब अन्यथा ग्रहण, निद्रा मने तत्व का अग्रहण। जागृत में तत्व ग्रहण है या नहीं, क्या आत्मज्ञान हो रहा है क्या अधिष्ठान का, फिर से जागृत में तो निद्रा है स्वप्न में भी तत्व का ग्रहण तो है नहीं। स्थूल विषय ग्रहण हो रहा है का मतलब ये हुआ आपको तत्व ग्रहण नहीं हुआ अधिष्ठान का। सर्प का ग्रहण होने का मतलब क्या, अन्यथा ग्रहण होने का तात्पर्य है कि आप रज्जु का अग्रहण, रज्जु के लिए ग्रहण हो जाए फिर सर्प का ग्रहण कहां से हो जाएगा। मानी जब भी अन्यथा ग्रहण होता है उसका बीज क्या है तत्व ग्रहण, अभी भी बोला था निद्रा क्या चीज है बीज है जागृत और स्वप्न के प्रति, तत्व ग्रहण पूर्वक ही अन्यथा ग्रहण होता है। जब आपने अन्यथा ग्रहण स्वीकार कर लिया का मतलब है आपने तत्व ग्रहण भी स्वीकार कर लिया, अतएव जागृत और स्वप्न में स्वप्न जैसा जागृत हम कह सकते हैं वैसे वहां निद्रा भी है जागृत में, तत्व ग्रहण रूपा निद्रा जागृत में भी है। इसे टीका नीचे तथापि निद्रा से निद्रा सोते हुए आदमी में निद्रा पूर्व पक्ष ही मान रहा है, जैसे आपने वो सोचा था वो मना कर रहे हैं जागृत में निद्रा नहीं बोल रहे थे आप भी इसी कोटि में हो पूर्व पक्षी में, ये तो पूर्व पक्षी तो बोल रहा है जो सोते रहता है उसी में निद्रा होती है, जगह में कहां से निद्रा आ गया इत्याशंक्या तो सिद्धांत निद्रोक्ता तत्व प्रबोध लक्षण तम इति। मूल भाष्यकार ने कहा अरे निद्रा के बारे में आपकी पिछले 10 श्लोकों में कई बार बोल चुका हूं, निद्रा उक्ता निद्रा के बारे में कह चुका हूं क्या लक्षण लेना सोने का नाम नहीं, नित्तत्व अप्रतिबोध लक्षण तम तत्व का अप्रतिबोध रूपा अज्ञान का ही नाम निद्रा है। तत्व प्रतिबोध का मतलब क्या अज्ञान होना, मुझे आत्मा का ज्ञान नहीं हो रहा है शरीर आदि का ज्ञान हो रहा है, तत्व का प्रतिबोध को तत्व का ज्ञान को बाध्य की चीज। ताभ्याम स्वप्न निद्राभ्याम युक्त विश्व तेजस, इस प्रकार के स्वप्न और निद्रा इन दोनों से युक्त है विश्व और तेजस। अतस्तौ कार्य कारण बद्ध वित्युक्त, इसलिए वे दोनों के दोनों कार्य और कारण से बद्ध है ऐसे यहां कहा गया है। पहले कहा था ना ग्यारहवीं कारिका में, अब आप 14वीं पढ़ रहे हैं, 11वीं में बात आई थी कार्य कारण बद्धौ तौ,
उसका दूसरे शब्द में कहा आदि निद्रा युतौ स्वप्न निद्रा युतौ आद्यौ, स्वप्न निद्रा युतौ आद्यौ, उसी को यहाँ दूसरे शब्दों में जो ग्यारहवें में था उसके संपुष्टि में चौदह, ग्यारहवें में जो कही गई थी वो श्रुति और युक्ति के आधार पर था और चौदह में जो कह रहे हैं आप वह अनुभव के आधार पर। प्राज्यस्तो स्वप्न वर्जित केवल निद्रया, देखो भाषा स्पष्ट कर देते हैं समास को, प्राज्ञ कैसा है किंतु स्वप्न वर्जित, मैंने नहीं को कान्वय किया केवल स्वप्न में, अस्वप्न में अकान्वय व नहीं स्वप्न के साथ, और आगे निद्रा के साथ नहीं, केवल निद्रया युद, देखो केवल निद्रा से होता है स्वप्न वर्जित केवल निद्रया युत कारणबद्धम, स्वप्न रहित होकर के मैंने अन्यथाग्रहण नहीं है ना, रात्रि में जब सोते रहोगे तो अन्यथाग्रहण न स्थूल विषय देख रहे हो न सूक्ष्म विषय वासना विषय भी ग्रहण नहीं होता है, इसलिए वहां स्वप्न का मतलब अन्यथाग्रहण नहीं है। किंतु इसका मतलब यह नहीं कि आप समाधि में पहुंच गए हो ब्रह्म ज्ञान हो रहा है, वहां निद्रा समाधि स्थिति ब्रह्म ज्ञान हो रहा है ऐसा तो है नहीं, वहां पर क्या हुआ तत्व प्रतिबोध विद्यमान है ना अभी भी, इसलिए कहते हैं केवल एव केवल एव निद्रया युत, केवल निद्रा तत्व प्रतिबोध से युक्त है वो, यदि कारणबद्ध इत्युक्तम, इसीलिए कह रहे हैं जो सुषुप्ति है वह प्राज्ञ है वो कैसा है कारणबद्ध है किंतु कार्यबद्ध नहीं है, वह कारणबद्ध है किंतु कार्यबद्ध नहीं है, कौन सा प्राज्ञ सुषुप्ति तत्व प्रतिबोध रूपी कारण से निद्रा से युक्त है वो, किंतु अन्नता ग्रहण रूपी कार्य जो स्वप्न है उसे रहित है। नौ भयम पश्यंती तुरीय, लेकिन तुरीय में नौ भयम पश्यंती दोनों को नहीं देखते, मैं अन्नता ग्रहण भी नहीं है तत्व ग्रहण भी वहां नहीं है। नौ भयम पश्यंती तुरीय निश्चिता ब्रह्मविदो विरुद्धत्वात् सवितरि इव तमः, नौ भयम पश्यन्ति तुरीय, तुरीय में वे दोनों ही नहीं देखते, कौन लोग नहीं देखते हैं जो निश्चित बुद्धि वाले, निश्चित बुद्धि वाले का मतलब कहते हो अभी ब्रह्मविदः ब्रह्मवेत्ता, क्यों विरुद्धत्वात् सवितरि इव तमः, विरुद्ध होने से, विरुद्ध होने से, कहते विरुद्ध कैसे है वो, कहते सवितरि इव तमः, जैसे सूर्य में अंधकार हो सकता है क्या, सूर्य में जैसा अंधकार नहीं हो सकता, जिस बिल में नेवला है वहां सांप नहीं हो सकता, उसी प्रकार से यहां पर भी समझना है कि जहां आपका आत्म प्रकाश है वहां पर तत्व प्रतिबोध पूर्वक अन्यथा ग्रहण नाम का चीज नहीं हो सकता। अतो न कार्य कारण इत्युक्तः तुरीयः, इसीलिए कहा गया पूर्व में कहा था तुरी जो कैसा है तुरीय कार्य कारण से बद्ध नहीं है, ये कहा न कार्य कारण बद्ध तौ तुरीय न सिद्ध्यतः, उसी ग्यारहवीं में कहा था अन्य शब्दों में द्वौ तौ तुरीय न सिद्ध्यतः, उसको भाष्यकार ने अर्थतः संग्रह करके बोल दिए अतो न कार्य कारण बद्ध, इसलिए कार्य कारण दोनों से बद्ध नहीं है, यह बात जो है ग्यारहवीं कारिका में कह दी गई थी, ये सब ग्यारहवीं कारिका ही है, कार्य कारण बद्ध हो भी जागृत और विश्व के बारे में स्वप्न के बारे में आया था, और कारणबद्ध इत्युक्तम ये जो कहा प्राज्ञ में वो भी ग्यारहवीं कारिका का है, और अतो न कार्य कारण बद्ध इत्युक्त ये भी ग्यारहवीं कारिका ही कई टुकड़ों को दिखाया, मैंने जो ग्यारहवीं में कही गई वही यहाँ चौदहवें में कह दिया गया, कोई नई बात नहीं, शब्द अंतर कर दिया गया, इसलिए कि वहां पर हम श्रुति और युक्ति के आधार पर बोल रहे थे तो वहां के अनुसार शब्दावली प्रयोग कर दिया, ये आम आदमी के अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम जो जनता की जानकारी का शब्दावली है प्रसिद्ध उन्हीं को लेकर, और ब्रह्मविद्ताओं के अनुभव इसमें क्या चीज, तुरीय के विषय में अंश मात्र में केवल आम आदमी का अनुभव नहीं है, स्वप्न जागृत सुषुप्ति ये तो सभी अनुभव में है, सभी जानते हैं स्वप्न और जागृत विपरीत ग्रहण हो रहा है, अन्यथा ग्रहण मैंने विपरीत ग्रहण हो रहा है, और सुषुप्ति में
तत्व का अग्रहण मात्र अनितग्रहण नहीं है, ये सभी जानते हैं। इसे पूर्वार्ध पूरा का पूरा अनुभव के आधार पर है, लेकिन उत्तरार्ध केवल ब्रह्मज्ञानी का अनुभव, आम आदमी का अनुभव नहीं। इसे निश्चित कह दिया ब्रह्मवेत्ताओं के अनुभव के आधार पर कहा। अधिक पुनरुक्ति दोष नहीं समझना, यह अनुभव के आधार पर है। पूर्वार्ध सामान्य जनता के अनुभव के आधार पर, उत्तरार्ध तत्ववेत्ता ब्रह्मवेत्ता के अनुभव के आधार पर है। कदा तरी स्वप्रभवती अपेक्षाया महा, तो पूर्व पक्षी पूछ सकता है कदा तुरीय निश्चित भवती इत्युच्यते, तुरीय में निश्चय कब होता है, कैसे होता है, ऐसे यदि कोई पूछता है। और कदा तरी स्वप्न भवती, स्वप्न कब होता है और तुरीय का ग्रहण कैसा होता है, हाँ कब होता है यह समझाओ। तुरीय कारण कारण संपर्क का असंभव, कि तुरीय में कार्य कारण दोनों का संपर्क संभव ही नहीं है, इसलिए यहां यह शंका होकर पूछा जा रहा है। तीन नंबर टिप्पण दिया, देखो तुरीय निश्चय काले स्वप्न निद्रयोर अदर्शनम चेत तद अभाव काले तद उभयन भविधव्यम। तुरीय निश्चय काल में स्वप्न निद्रा दोनों नहीं रहता आपने कहा, तो तद अभाव काले मैंने तुरी के अभाव काल में तद उभयन भवितम, फिर दोनों होना चाहिए, नहीं दोनों होना चाहिए। तत्र योग पद्य विरोधम मनवानो विवेकम पृच्छेति। और लेकिन पूर्व पक्ष सोच रहे हैं यहां ये दोनों एक साथ हो नहीं सकता, स्वप्न और निद्रा दोनों एक साथ कैसे होगा, हो नहीं सकता। कि पूर्व पक्ष स्वप्न माने से स्वप्न देखना अर्थ समझ रहा है, निद्रा माने से सोना अर्थ ले रहा है, इसलिए दोनों एक साथ तो हो नहीं सकता। सो रहा आदमी तो स्वप्न नहीं देख रहा है, स्वप्न में है तो सो नहीं, और सो नहीं रहा है, मानना पड़ेगा आपको। ये दोनों एक साथ कैसे हो जाएंगे, इस आशंका को दूर करने के लिए जान करके कार्य कारण कि स्वप्न से आप रूढ़ अर्थ मत लो, निद्रा से रूढ़ अर्थ मत लो। यहां जो प्रकरण में निर्णय हमने लिया है, स्वप्न शब्द का अर्थ क्या, अन्यथा ग्रहण, निद्रा शब्द का अर्थ तत्व ग्रहण, बस वो अर्थ लोगे तो दोनों एक साथ हो सकते हैं, कोई विरोध नहीं है, बल्कि इन दोनों का विषय कार्य कारण भाव है कि तत्व ग्रहण के बिना अन्यथा ग्रहण नहीं हो सकता, बल्कि अन्यथा ग्रहण के बिना तत्व ग्रहण हो सकता है, जैसे निद्रा मान्यता ग्रहण नहीं तत्व ग्रहण है, किंतु ऐसा कोई दृष्टांत नहीं मिलेगा जान्यता ग्रहण हो रहा हो आपको और तत्व ग्रहण हो, तत्व ग्रहण न हो अर्थात तत्व ग्रहण हो और अन्यता ग्रहण भी हो जाए, दोनों हो जाएगा क्या, विरुद्धत्व हो नहीं सकता। अभी अभी सवितर प्रकाश हो, तत्व का ग्रहण भी हो रहा है, रज्जु भी मुझे दिख रहा है और सर्प भी वहां दिख रहा है, दोनों कैसे हो जाएगा, यदि रज्जु दिख रहा है सर्प नहीं दिखेगा, सर्प दिख रहा है रज्जु नहीं दिखेगा, और कोई कहता नहीं जी मेरे को रज्जु दिख रहा है और उसे सर्प भी दिख रहा है, ऐसा कहना पड़ेगा तो भाई पागल से भी खराब हो गया, पागल से तुमसे बैठ रहे फिर तो हो नहीं सकता, दोनों कहा सीखेगी। इसलिए जो लोग वेदांति शुद्ध वेदांति है ना, वो ये कह नहीं सकते हैं कि मुझे ब्रह्म सब जगह दिख रहा है और सारी उपाधियां भी दिख रही है, दोनों कैसे हो जाएगा, यदि उपाधियां दिख रहे हैं फिर तो ब्रह्म आपका अनुभूति में नहीं है, ये ब्रह्मानुभूति हो रही है तो फिर उपाधियां नहीं है, न तुम न हम न वही जगत, कि पट में दृष्टि टिक गई फिर चित्र कहां रह जाएंगे आपके लिए, अचित्र में दृष्टि टिकी है मेरे पट का अनुभव नहीं है, मानना ही पड़ेगा। पर्दा दिख रहा है तो चित्र नहीं दिख रहा है, चित्र दिख रहा है मैंने पर्दा नहीं दिख रहा है, दोनों एक काला और चित्र हो नहीं सकता। यह जातवाद पहुंच रहे हैं देखो कितने तगड़ा, और लोग सर्वम कलयुगम ब्रह्म बोल देते, डायलॉग मार देते, वो तो है निम्न हम तो बोलते पांच सीढ़ियां बताते ही है, पहले तो सगुण ब्रह्म मान लो, मूर्ति मानो, आरती उतारो, सब करो, फिर उसके बाद कहो ये जो सगुण ईश्वर वो सभी में है, सभी का हृदय में, परिचिन्नी मान लेना भी आपने, फिर कहेंगे नहीं नहीं कण कण में, केवल हृदयों में नहीं कण कण में वही है, फिर उससे भी आगे सभी उसमें है, सब में आत्मा नहीं आत्मा में सब है वास्तव में, और ऊंची सी हो गई, फिर आत्मा ही है और कुछ है ही नहीं, लास्ट
तो वो अज्ञान की जैसा जैसा आपके मन मानते जा अंतकरण तो वैसे समझाने के लिए विभिन्न श्रिया मारी गई, लेकिन आदमी उधर ही टिक करके अजात बिल्कुल खंडन करेगा तो वो आगे बढ़ेगा कहां से? ये स्वीकार तो करे ठीक है अजात जब करे मेरे दिमाग से ऊपर उठ जा रहा है इस समय में, हो सकता है श्रुति स्मृति कार्य मान लेता हूं, लेकिन जो है वो अभी सुनूंगा केवल, अभी तो ऊपर से चला जा रहा है, हमें तो ये लग रहा है अब तो पास ये मूर्ति वाला भगवान ही भगवान है बस सगुण साकार ठोस तो ठीक है। ये लक्ष्य उसको बनाओ, इसकी उपासना करो, ये लक्ष्य आना चाहिए अजातवाद, मैं ब्रह्म हूं निर्गुण निराकार निष्क्रिय निष्कल निरवयव निरंजन स्वरूप शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला मैं हूं, वह मेरा स्वरूप है, वह स्वरूप को मैं अनुभव करना चाहता हूं, यह इसको लक्ष्य बना करके आप कुछ भी स्टेज में रहिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जिस स्तर पर है वही अंत समझ गए तब आगे बढ़ेगी कैसे? आगे बढ़ नहीं सकते आप, लक्ष्य पक्की रहे और आप किसी भी स्तर पर तो कार्य करते जाइए कोई दिक्कत नहीं। कुछ तो प्राकर्मासरण होगा, कुछ अपने पुरुषार्थ से होगा, कुछ परीक्षा प्रारंभ को स्वेच्छा प्रारंभ कुछ अनिच्छा प्रारंभ से होगा, जो भी होगा वो आपको उसी अनुसार में जो है समय समय पर शास्त्र के आधार पर ये तत्र ब्राह्मण तत्र समर्षिणः ये तत्र ब्राह्मण वो कहते जो उस क्षेत्र में समय के श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष लोग हैं उनसे सलाह ले लो, वो जो कहेंगे उसके अनुसार चलो। जैसे आप क्या होते डॉक्टर है, आप बीमार हो तो क्या करेंगे? इस क्षेत्र बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर से मामले में पता लगाएंगे, उसे आप सलाह लेने जाएंगे, यहाँ बताओ क्या करना है। ये नहीं नल का खराब हो गया तो बिजली वाले को थोड़ी बुलाएंगे, अरे प्लम्बर को बुलाएंगे जो नलके वाला है उसे भी देखिए सबसे बढ़िया जो काम करता है, थोड़ा सस्ता भी लेता हो ढंग से काम भी करता हो प्यार से करता हो, ऐसे पकड़ के लाएंगे कहीं से पता लगा वो करके तो काम कराएंगे। हर क्षेत्र में ऐसे ही है ना, शास्त्र क्षेत्र में भी ऐसा ही, हर कोई सर्वज्ञ नहीं होता, किसी मामला में कोई है किसी मामले में कोई है, जिस मामले में जो ज्ञाता है उसे पता लगाओ उसे उस पहुंचते हैं और उसे हम सलाह लें। इसकी विवाद हुई अब काम की सलाह लेना पड़े तो वकीलों से सलाह लेना पड़ेगा, वो जैसे कहेंगे वैसे करना पड़ेगा, नहीं करो तो इलाज कैसे होगा? और उसे भी एक की सलाह से नहीं चल सकते, बड़ा खतरा है आज के जमाने में, दो तीन की सलाह लेनी पड़ेगी। इसे डॉक्टरों का भी हाल हो चुका है, एक डॉक्टर से काम करते कई बार नहीं चलता, बदलने पड़ते हैं। और कभी डॉक्टर खुद ही कहे तो बहुत अच्छा डॉक्टर मानो ईमानदार डॉक्टर है, वो कहे था भैया मेरी बस की बात है तू अगले जा आगे चले जा, दूसरे जो भेज देता है मुझे जा तुम्हारे लायक वहाँ है डॉक्टर हम नहीं है, बस अच्छा ईमानदार डॉक्टर है, ऐसे वो कम मिलते हैं ना, लेकिन हमारी बिल अपनी बिल बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं सभी, जितनी ना यहाँ पर वो अपने आप थक के इंसान कुछ नहीं हो रहा चलो भाई भागो यहाँ से अपने आप छोड़ के भाग जाए तो बात अलग है, नहीं तो पकड़े रखते हैं मरने तक बिल बनाओ तो खराब डॉक्टर है। अच्छे तो वो है तो उन्हें कोई मतलब नहीं भाई मरीज की इलाज करने से मुख्य है जो अपने भाग्य से मिलना है मिलेगा, किसको इस तरह चूसना नहीं चाहिए, सच्चा सिद्धांत वाला वही होता है, वो आगे सलाह का अगला भेज दिया आगे जाओ। तीसरे से ईमानदार डॉक्टर ईमानदार जो है कर्मचारी ईमानदार प्लम्बर ईमानदार पानी वाला बिजली वाला सब मिलना आज के जमाने में कलयुग में तो मुश्किल हो रहा, कहीं भी ईमानदारी नहीं कहीं भी सच्चाई नहीं, गुरु चरणों का भी जो सच्चाई नहीं ईमानदार नहीं तो फिर अन्यत्र कहाँ से हो रहा है, वहाँ तो व्यापार ही है वह तो व्यापारी लोग हैं। इसलिए उनका कहना है कि देखो कि ये जो चीज है वस्तुतः ना अविद्यत कार्य संगति रस्ती तुरीय से तुरीय में वास्तव में अविद्यत कार्य संगति होती नहीं है, यह पहले भी ग्यारहवीं में जो कही गई थी उसी का पुष्टिकरण कर दिया चौदह में जो कहा गया था, आगे जो संग इसलिए उठ रहा है क्योंकि तुरीय में निश्चित जो होता है तो कब होता है उसी प्रश्न को दूसरे शब्दों में डाल रहा है आंधिकार कदातरी स्वप्न बहुती की अपेक्षाएं। देखो फर्क है, देखो भाष्यकार अवतरण कह दे रहे हैं कदा तुरीय निश्चित होती तुच्छत है और आंधगिरी कदा तरी स्वप्न भवती की अपेक्षा है माह अंतर कर दिया ना, वो कह रहे तुरी कब होता है और हृदय स्वप्न कब होता है, कहने का मतलब दोनों की वही बात हम बोलते हैं ना, कई बार दृष्टांत दिया गिलास में दूध है, एक बोलते आधा है भरा दूसरे आधे का आधा खाली,
तो सिख और गुजराती की लड़ाई वाली बात मत करो, समन्वय बिठाओ। भाष्य और आंध्र का विरोध नहीं है। आंध्र का कहना है कि जब तुरियो में ये दोनों नहीं रहता है, आपने कह दिया चौदहवीं कारिका में, अर्थात जब तुरियो नहीं रहेगा तब दोनों एक साथ रहता कि नहीं रहता। आंध्र इस तरीके से नहीं लिया, जब तुरियो नहीं रहेगा इसका मतलब स्वप्न दोनों एक साथ होगा, आपको यही कहना है। सिद्धांत का हाँ मेरे ही कहना है, तो पुरुष कैसे हो सकता है? स्वप्न तो विरोधी है, तो नहीं हो सकता। तो कैसा होगा, कब होगा, ये पूछना है। मैंने आंध्रिकार ने उसी प्रश्न को साधारण बुद्धि वालों के लिए दूसरे शब्दों में बोल दिया, तुरीय का अनुभव जब नहीं होगा तब क्या रहता है, क्या अनुभव में आता है? स्वप्न निद्रा दोनों एक साथ होता है, एक के बाद क्रम से होता है, ये कैसे होता है? इस तरह से आंध्रिकार ने अवतरणिका को शब्द को ले लिया है। अन्यथा गृह्णत स्वप्न निद्रा तत्व अजानत विपर्यासे तयोक्षिणे तुरियम बदमश्नुते। रज्जु सर्प की भांति तत्व से विपरीत ग्रहण होने पर स्वप्न होता है, अन्यथा गृह्णत, अन्यथा ग्रहण करने से स्वप्न होता है। चाहे वह जागृत नाम रखो उसको, चाहे स्वप्न नाम रखो, जब अन्न जागरण हो जाए इसका मतलब वो स्वप्न। निद्रा तत्व अजानता, और निद्रा क्या चीज है? तत्व को न जानते हुए समय का नाम निद्रा। और विपर्यास है तयो, तयो हरे दोनों कहां होते हैं? विपर्यास में। और विपर्यास कहां है आपका? जागृत और स्वप्न दोनों में, विश्व और तेजस दोनों में विपर्यास है। क्यों? जागृत में भी स्थूलो हम देवत्व हम ग्रहण कर रहे हो, और स्वप्न में भी स्थूलो हम देवत्व है ही, वहां पर भी। तो विपर्यास तो विषु तेजस दोनों में ही है, जागृत स्वप्न दोनों में ही है, इसलिए विपर्यास में ये दोनों ही बातें तत्व अग्रहण पूर्वक अन्नताग्रहण से बार बार कहता हूं, तत्व अग्रहण पूर्वक ही अन्नताग्रहण होता है। तयोक्षिणे, और जब ये दोनों नहीं रह जाते हैं, तुरियम बदमश्नुते, इन दोनों विपर्ययों के क्षीण हो जाने पर साधक तुरीय पद को प्राप्त करता है, यह मुमुक्षु मुक्त हो जाता है। ये दोनों नहीं होना चाहिए, तत्व ग्रहण भी नहीं और तत्व ग्रहण पूर्व अन्यथा ग्रहण भी नहीं। माने कार्य कारण भाव का अनुभूति के अभाव हो जाए, अज्ञान और अज्ञान के कार्य की अनुभूति का अभाव हो जाए, वही तुरी है, वही मोक्ष। कार्य कारण के अनुभूति न रह जाए, वही वास्तविक मुक्ति है। भाष्य, स्वप्न जागृत यो हो, स्वप्न और जागृत इन दोनों ही कालों में क्या होता है? अन्यथा ग्रहण होता है। अन्यथा ग्रहण मतलब रज्ज्वां सर्वैव गृह्णतः तत्त्वम्। जैसे रज्जु में सर्प ग्रहण करते हैं, वैसे तत्व को अन्यथा ग्रहण कर लिया। रज्ज्वां गृह्यमाणः सर्प यथा अन्यथा गृह्यते, जैसे रज्जु में ग्रहण करता हुआ सर्प को क्या मानते हैं? अन्यथा ग्रहण हो गया कहते हो, उसी प्रकार से तद्वत तत्त्वम् अन्यथा गृह्णते इति योज्यम्। इसे तत्व मैंने आत्मा, आत्मा को अन्य रूपेण ग्रहण कर लिया, अन्यथा, अन्यथा शब्द न कैसे, अन्य शब्द से थाल प्रत्यय, थाल है ना, थाल, अन्यथा बन गया, माने अन्येन प्रकारेण गृहीता, यदि अन्यथा प्रकार अर्थ में था ना, प्रकार अर्थ में ही थाल प्रत्यय होता है, तेन प्रकारेण अन्येन प्रकारेण इति अन्यथा, माने जो जैसा है वैसा न ग्रहण करके उसके दूसरी प्रकार से ग्रहण करना, माने रज्जु में रज्जुत्व था, उस रज्जुत्व को ग्रहण न करके सर्पत्व ग्रहण कर लिया। इसी को दूसरे नाम क्या कहा? तदभावति तत्प्रकार का अनुभव यथार्थ अनुभव, ये तो कहा तर्क संग्रह में। तत्व का अन्यथा ग्रहण करने का नाम ही स्वप्न। निद्रा क्या है? तत्त्वम् अजानतः तिस्रिषु अवस्थासु तुल्य, ऐसा उच्चेद करो, निद्रा तत्त्वम् अजानतस् तिस्रिषु अवस्थासु तुल्य। निद्रा का अर्थ क्या है? तत्व आग्रहण, तत्व को न जानते हुए रहना, ये जो चीज है तीनों अवस्था में बराबर है। जागृत और स्वप्न में अन्यथा ग्रहण है, तत्वाग्रहण भी है, दोनों चीजें हैं, दो अवस्था में दोनों चीजें रहती हैं, किंतु एक अवस्था में
ऐसा है कि तत्वग्रहण ऐसा बात नहीं है, बल्कि तीनों अवस्थाओं में तत्वग्रहण बराबर है, क्योंकि तत्वग्रहण के बिना अन्यथा ग्रहण होगा नहीं। अच्छा, पहले तो अवस्था में तत्व ग्रहण तो है ही, और तीसरे अवस्था में भी तत्व ग्रहण है, भले अन्यथा ग्रहण वहां नहीं है। अच्छा, तीनों अवस्था में तत्व ग्रहण समान है, और दो अवस्थाओं में तत्व ग्रहण सहित अन्यथा ग्रहण। स्वप्न विद्रय तुल्यत्वाद विषु तेजस्य और एक राशित्व, वास्तव में स्वप्न और निद्रा समान रूपेण विश्व और तेजस दोनों में होने के कारण से उन दोनों को हम एक कोटि में ले लेते हैं, अलग अलग हम ग्रहण नहीं करते हैं। तृतीय तुस्ताने तत्व ज्ञान लक्षण निद्रैव केवल विपर्यास। तृतीय स्थान में तत्व ज्ञान रूप जो निद्रा है, निद्रैव केवल, केवल निद्रा ही मात्र रूपा विपर्यास रहता है। अतस्तयो कार्य कारण स्थान यो अन्यथा ग्रहण लक्षण विपर्यास है, इसलिए वह यह जो कार्य कारण भाव रूपा कार्य कारण स्थान यो अन्यथा ग्रहण लक्षण विपर्यास है, अन्यथा ग्रहण रूपा जो विपर्यास है और कार्य कारण बंध रूपे, जो कि कैसे है दोनों के दोनों कार्य कारण बंध रूप है, परमार्थ तत्व प्रतिबोधत क्षीणे। जब परमार्थ तत्व का ज्ञान हो जाता है तो क्या हो जाएगा, वो दोनों ही दोनों नष्ट हो जाएंगे, न तो तत्व ग्रहण रह जाएगा, तत्व ग्रहण होते ही बराबर तत्व ग्रहण चला जाएगा। तद्वत्ता बुद्धि के प्रति तद्भावता जैसे प्रतिबंधकता, तद अभाव के प्रति तद्वत्ता भी प्रतिबंधक है। तत्व ग्रहण का प्रतिबंध कौन है, तत्व ग्रहण। तत्व ग्रहण आज तक चले आ रहा है अनादिकाल से, जिस समय तत्व ग्रहण हो गया तत्व ग्रहण खत्म हो जाएगा। जब तत्व अग्रहण खत्म हो जाएगा तो अन्यथा ग्रहण कहां से टिकेगा, वो भी खत्म हो जाएगा। तुरियम बदम अष्टुते तदा उभय लक्षण बंद रूपम तथा पश्यन, क्योंकि उस समय उभय रूपा जो बंद रूप थे वहां पर अनुभव न करते हुए तुरीय में निश्चित होती, तुरीय में ब्रह्मवित्ता निश्चय को प्राप्त किया हुआ होता है। तत्व प्रबोध से विपर्यास का क्षय की अवस्था में वह अपने सब में प्रतिष्ठित हो जाने के कारण से वह कहते वह तुरीय पद को प्राप्त कर लिया। कदा तत्व प्रतिबोधो विपर्यास क्षय हेतु भवदे, अच्छा ऐसा है तो फिर हमें यह समझाओ वो तत्व प्रतिबोध कैसे होगा, तत्व ज्ञान कैसे हो जाएगा, कब होगा, जो विपर्यास के क्षय का कारणीभूता ये जो विपरीत ज्ञान है तत्व ग्रहण और अन्यथा ग्रहण, ये कब नष्ट होगा, इनके नाशक जो तत्व ज्ञान है वो कैसे पैदा होगा, ऐसे अपेक्षा कर रहे पर जवाब दे रहे हैं। अनादि माया सुप्तो यदा जीव प्रबुध्यते अजम अनिद्रम स्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा। अनादि माया सुप्तो जीव, यह जो जीव है, यदा मैंने जब यह जो जीव अनादि माया से जो सोया हुआ है वह प्रबुद्धते तत्व बोध के द्वारा भरी प्रकार से जग जाता है। ये गाना अहंगारोध्यम हृदय सुप्तम, अनादि माया सुप्तम मा प्रबोधय, यदा प्रबुद्धते जीव मैंने प्रबुद्धश्चेद आनंदे, हमारा नहीं यदा जीव प्रबुद्ध, जब जीव जग जाएगा कहां जगेगा, अपने आनंद रूप में तो जगेगा और कहां जगेगा, जगेगा तो क्या होगा, अजम अनिद्रम स्वप्नम अद्वैतम बुझते तदा न तम ना हम। उसको दूसरे शब्दों में कह रहे अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुझते, अर्थात जा नहीं रहा, निद्रा नहीं रही, स्वप्न नहीं रहा, द्वैत नहीं रहा, तभी उसे जन्म निद्रा और स्वप्न से रहित उस अद्वैत आत्म तत्व को का बोध बुद्धते तथा का बोध उस समय प्राप्त हो जाता है, अनुभव में आ जाता है। इसको समझाने के लिए कई बार हम लोग अमावस्या के दृष्टांत दे चुके हैं, यानी अमावस्या में पूर्णिमा की समय में जिस प्रकार से
चंद्रमा से सारा प्रतिफलन जो है सूर्य के किरणों चंद्रमा पर आके वहां से जो प्रतिफलन है प्रतिबिंबित होकर के जो आ रहा है प्रतिफलन वो धरती की ओर जिस प्रकार से आते हैं पूर्णिमा का दिन अमावस्या के दिन एक भी नहीं आ रहा है। कहाँ गए सब? मानना पड़ेगा वापस सूर्य की ओर ही लौट रहे हैं। किसने देखा नहीं सूर्य की ओर जाते हुए? देखा है क्या जाकर के वहां कहाँ जा रहा है वो? लेकिन मानना तो पड़ेगा कहाँ जाएगा कहाँ। और जैसे यहाँ दर्पण को लेकर प्रैक्टिकल कर लेते हैं है ये नहीं? आप यहाँ प्रयोगात्मक अनुभव कर सकते ना, दर्पण लो दिन में ही, अमावस्या तक रुकने की जरूरत नहीं। जिस दिन मन में आ जाए संशय उसी समय दिन में ही आप देख सकते हैं। रात में तो लाइट जला लो और उसके यहाँ दर्पण पकड़ के बाहर प्रकाश छोड़ो और घुमाते घुमाते लाओ वापस लाइट की ओर, प्रकाश अब कहाँ जाएगा? लाइट में तो चला जाएगा। दिन में चाहे रात में चीज आप कोई भी बालक बच्चा भी प्रयोग करके देख सकता है। सारी वृत्तियां इस समय वहां से आई, उस वृत्ति में क्या हुआ? वृत्तियां तो निकलती रहती है, उस वृत्ति पर क्या हुआ? उस आत्मा की चैतन्य चिदाभास बैठ गया, प्रतिबिंबित हुआ। और वो आभास चिदाभास को लेकर के वृत्ति क्या हुई? वृत्ति अवचिन चैतन्य बन गया, जड़ात्मिक वृत्ति से अवचिन चैतन्य हो गया, चैतन्य का स्वर प्रतिबिंब पड़ गया है और वो प्रतिबिंब को लेकर के विषय की ओर जा रहा है। विषय की ओर जाकर विषय ग्रहण कर रहे हैं, इसी का नाम स्वप्न है, अन्यथा ग्रहण। और इसके पीछे क्या कारण हुआ? पहले अग्रहण हुआ तत्व का, कहां से ओरिजिनल किरण आ रहे हैं पता ही नहीं। इस दर्पण से आप इधर फेंक रहे हो, दर्पण को क्या मालूम हो कि किरण इधर से आ रहे हैं या उधर जा रहा है? उसे उधर ही दिख रहा है केवल जगत। तत्व का अग्रहण पूरक अन्यथा ग्रहण हो गया। मेरे से निकलता हुआ किरण कहां से आ रहे हैं इसको ध्यान नहीं देता दर्पण। ऐसे आपके अंदर जो चेतनता आई हुई है कहां से आई आपको मालूम है? किसी को मालूम नहीं। यहां से बाहर जा रही देख रहे हैं, जगत को देख रहे हैं, वो कर रहे हैं। हाँ श्रुति से तो मालूम हो रहा है ना, केवल श्रुति से, शास्त्रों से, गुरुवचनों से, सत्संग से, कीर्तन से, बचपन से जान चुके हैं ये बात। तो वैसे तो चलो आप थोड़ी जान रहे हैं, ये तो बचपन से जान रहे, बल्कि अनेकों जन्मों से जान रहे होंगे, लेकिन अभी अनुभूति में उतरी नहीं ना। इसे मानना पड़ेगा अब भी शब्द ज्ञान होते हुए तत्व का ग्रहण भी बना हुआ है, अभी तत्व ग्रहण नहीं हुई है। यही तत्व ग्रहण भी हो गया होता तो फिर काम ही खत्म थे, फिर यहाँ कौन बैठता है ही नहीं। यहाँ बैठने की जरूरत नहीं थी, यहाँ आने की जरूरत नहीं। कहीं भी घूमते फिरते रहते, कहीं भी सत्संग हो रहा है, नहीं भी हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है? उसको सर्व प्रतिष्ठित आदमी है, एक जगह रह भी सकता है नहीं भी रह सकता, लेकिन उसका पढ़ना कोई जरूरी नहीं। पाठ चल रहा है तो बैठेगा जरूर, अनेक जन का संस्कार है। जहाँ कहीं सुनेगा उधर हो रहा है तो वहां चलेगा, जाएगा, बैठेगा जरूर। तो ब्रह्मज्ञानी का संस्कार सत्संग स्वाध्याय, अनेक जन्मों से स्वाध्याय प्रवचनाभ्यम अप्रमोदितव्यम, इसके आधार पर जो जीवन चला है उसी को तो ज्ञान होगा ना, अनुभूति होगी। वो आज कहीं स्वाध्याय हो रहा हो तो उसकी उपेक्षा कैसे करेगा? उसके संस्कार अपने आप वहां खींच के ले जाएगा। उस स्थिति में पहुंचे एकदम ब्राह्मी स्थिति में, स्तर प्रज्ञ का भाषा वाली, तब तो कहीं भी ना जाएगा ना आएगा स्वाध्याय में, उसे स्वाध्याय में मिथ्या ये हो ही नहीं रहा, कुछ जगत ही नहीं उसके लिए, स्वाध्याय कहाँ है? जगत हो और से स्वाध्याय हो रहा हो तब तो जाए वहां पे, अपने उपाधि भी है और उपाधि जाएगी, बात कहोगे ये सब बातें तब होगी ना जो स्व उपाधि को अभी दृश्य रूप में स्वीकार कर लिया है, तो प्रावधाधीन होकर के इस उपाधि को शरीर आदियों उपाधियों को दृश्य रूप में मान लिया, इस दृश्य से संबद्ध दृश्य जगत जगत अंतर्गत स्वाध्याय वगैरह वगैरह सब मानेगा और व्यवहार होगी बाधा सामना करने से, उसके लिए कहा जाता है कि वो जरूर जाएगा संस्कार उसी वजह से। जिसके लिए नए शरीर पर दृश्य है तो उसके लिए जगत रूप दृश्य आ रहे गए संबद्ध होकर के, और अन्य भी नहीं कुछ भी नहीं। जिस अज्ञानियों को दिखाई देता है उन अज्ञानियों के दृष्टिकोण से व्यवहार भले होते रहेगा, लेकिन स्व उसका कोई ऐसा दृष्टि ही नहीं, वो ब्रह्म ही है। आगे कहेंगे मंत्र भी देखिए भाष्यम, योयम संसारी जीव, वह यह जो संसारी जीव है स उभय लक्षणेन तत्व प्रतिबोध रूपेण
बीजात्मना अन्यथा ग्रहण लक्षण कार्यात्मना, क्योंकि दोनों क्या है तत्व प्रतिबोध रूप बीज है, कारण रूपा है, और अन्यथा ग्रहण रूपा क्या है कार्य रूपा है, फल रूपा है। पहले बोल चुके थे ना बीज फल कार्य कारण कार्य, अथवा यहाँ जैसे शब्दावली तत्व प्रतिबोध अन्यथा ग्रहण स्वप्न और निद्रा ऐसा पर्यायवाची है। इस प्रकरण में स्वप्न निद्रा कहो कार्य कारण कहो फल बीज भाव कहो है कि नहीं, ये सब पर्यायवाची है। अनादि काल प्रवृत्तेन माया लक्षण स्वप्नेन ममायम पिता पुत्रोयम नप्ता क्षेत्रम पशवो अहम एषां स्वामी सुखी दुखी क्षयितो अहम अनेना वर्धितश्च अनेना इत्येवं प्रकारान स्वप्नान स्थान द्वये भी पश्यन् का अनादिकाल प्रवृत्तेन अनादिकाल प्रवृत्त होकर के माया लक्षणेन स्वप्नेन मायारूपी स्वप्न के द्वारा मम अयम पिता मेरा यह पिता है पुत्रो अयम यह मेरा पुत्र है नपता ये पोता है खेती है पशु है मैं इन सब का मालिक हूँ मैं सुखी हूँ दुखी हूँ मैं अरे भाई क्षीण हो रहा हूँ बुढ़ापा आ रही है अहम अनीन वर्धित मैं इन सबसे बड़ा चढ़ बढ़ चढ़ कर बड़ा होते जा रहा हूँ अमीर होते जा रहा हूँ अनेना इत्यं प्रकारान स्वप्नान स्थान द्वे विवशन इस प्रकार के स्वप्न मैंने अन्यता ग्रहणों को स्थान द्वय विश्व और तेज दोनों जगहों में पश्यन अनुभव करते हुए सुप्तो यदा वेदांतार्थत्व विज्ञेन परम कारण के गुरुणा गुरुणा जब सो जाता है यदा सुप्तः अनादि में यदा सुप्तः जो वह प्रबुद्धिते कब जगता है सोया व्यक्ति कब जगता है कदे वेदांतार्थत्वाभिज्ञेन परम कारणकेन गुरुणा न असि एवं त्वं हेतु फलात्मक किंतु तत्त्वमसीति प्रतिबोध्यमानो यदा तदैवं प्रतिबुध्यते। जब वेदांती अर्थ के तत्व को जानने वाला वेदांतोक्त पदार्थों के या वास्तविक तत्व को जानने वाले परम करुणामयी गुरु के द्वारा जब ये संबोधन कर कह दिया गया नसि एवं रे तुम ऐसे नहीं हो जैसे तुम सोच रहे हो मैं देवदत्त हूँ ये मेरा बेटा है मेरा पिता है मेरा पोता है इत्यादि इत्यादि ऐसा नहीं हो तुम फिर क्या हूं मैं एवं तुम नसि ऐसे तुम नहीं हो हेतु फलात्मक हेतु हो फल साध्य साधन भाव वाला कार्य कारण भाव वाला है? इस रूप वाले तुम नहीं हो किंतु तुम तदसी तत्त्वमसी इति प्रतिबोध्यमानो तुम वही हो ऐसा जगाए जाने पर यदा प्रतिबोध्यमानो जब ऐसा जगाया जाता है तदैव प्रतिबोध्यते तभी वह इस प्रकार से प्रतिबुद्ध हो जाता है। खत्म किस प्रकार नास्मिन बाह्यम आभ्यंतरम वा जन्मादि भाविकारो अस्ति अतो अजम क्योंकि इसमें अस्मिन स्तुरीय अनुभूति में बाह्यम आभ्यंतर वा जन्मादि भाविकारो बाह्य या अभ्यंतर जन्मादि जो भाविकार हैं उनमें से एक भी न अस्ति नहीं है अतो अजम इसलिए वो अज है। इसे श्रुति प्रमाण ऐसा बाह्याभ्यंतरो ही अज प्रदान कई बार दे चुके इसको इति श्रुतय है यह श्रुति ही प्रमाण है। सर्व भाव विकार वर्जितम इत्यर्थ अजम शब्द का अर्थ यही है सकल भाव विकारों से रहित है। कितने भाव विकार होते हैं छह होते हैं जायते अस्ति है ना जायते अस्ति फिर वर्धते फिर विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति षट भाव विकार उत्पन्न है उत्पन्न हुआ फिर है फिर बढ़ता है और फिर बिगड़ने लगता है फिर क्षय होने लगता है खत्म हो जाता है। छह जो विकार हैं उन सब से रहित आत्मा है तुरीय है सिद्ध हो गया। यस्मात् जन्मादि कारणभूतम यस्मात् जिसलिए जन्मादि कारणभूतम नास्मिन् अविद्यात्मो बीजम निद्रा विद्यते इति अनिद्रा क्योंकि इसमें जन्मादियों का कारणीभूता यस्मात् जन्मादि कारणभूतम
नास्मिन अविद्या तमो बीजम निद्रा विदिति अनिद्रा, क्योंकि जन्मादियों का कारणीभूता जो अविद्या रूपी अंधकारात्मक जो बीज है जिसको यहाँ निद्रा शब्द से बारंबार कहा गया है, वह उसमें आत्मा में न विद्यते, इसलिए उस आत्मा को हम क्या कहते हैं, ब्रह्म को तुरी को अनिद्रम शब्द से कहते हैं। अनिद्रम तत्तुर्यम अतएव अस्वप्नम, जिसलिए वह अनिद्र है वह तुरी तत्व, इसलिए वह अस्वप्न भी हो गया। कि जब तत्व का आवरण नहीं रह गया तो अन्यताग्रहण नहीं रहेगा। तन्निर्निमित्तत्वात् अन्यथा ग्रहणस्य, क्योंकि निद्रा तत्व ग्रहण ही है निमित्त किसके प्रति, अन्यता ग्रहण के प्रति, अन्यता ग्रहण के प्रति निमित्त कौन है, तत्व ग्रहण निद्रा। तो निद्रा ही नहीं रह गई, निमित्त ही नहीं रहा, निमित्त अपाय नियमित कस्य अपाय हो, नियम लग गया। यस्माच्च निद्रम स्वप्नम, जिसने इस प्रकार से वह अनिद्र और स्वप्न वाला भी है, अतएव तस्माद अजम अद्वैतम, वह अज जो ब्रह्म है आत्मा तुरी है वह अद्वैतम तुरियम आत्मा बुद्धिदा, तब वह अपने आत्मस्वरूप को तुरीय और अद्वैत रूपेण व्यक्ति जो मोक्षो अनुभव करता है।